उसने मेरे को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में दोबारा मौका दिया है लड़ने का और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भरोसा उन्होंने मुझे मुझ पर दिखाया है और जो भरोसा मुझे अपने नेतृत्व पर है उसका अंजाम भी आप सबको देखने को मिलेगा और दिखेगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक क्षेत्र का हर कार्यकर्ता काम में जुटकर और इस सीट को इतनी भारी संख्या से जीतकर आपके सामने लाकर रखेगा। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, उस विश्वास का जो कारण है, वो विश्वास का कारण है कि ये पार्टी एक विचार से चलती है और वो जो विचार है सबका साथ सबका विकास, वही हमारा मूल मंत्र है। और उसी के कारण जब भारत के प्रधानमंत्री अपने कार्यभार का ध्यान रखते हुए सुबह से रात तक 17-18 घंटे काम कर सकते हैं, जबकि वो तो जीत चुके थे, प्रधानमंत्री बन चुके थे, थोड़ा आराम कर भी लेते तो कोई उनसे सवाल नहीं करता, क्योंकि पूर्व के प्रधानमंत्री तो काफ़ी आराम भी कर लेते थे बीच बीच में, इनके पास तो कोई आराम का समय नहीं था। और चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे पार्टी के अध्यक्ष हो, सब लोग मिलजुल कर इतना अधिक काम, हर पार्टी का हर कार्यकर्ता 2400 घंटे काम करता रहा और वैसा ही आपको दिल्ली प्रदेश में भी देखने को मिला कि हम सब लोग लगातार अपने अपने क्षेत्र में काम करते रहे, सभी सांसद अपने अपने इलाके को संभालते रहे। तो कुछ मूल मैं आपको विषय बताना चाहती हूँ। सबसे पहला तो ये है कि मुझे आपने जब सांसद चुनकर भेजा तो 5 करोड़ रुपया एक सांसद की राशि होती है एमपी लैड की सालाना, और एक एमएलए के पास 10 करोड़ है, और इस क्षेत्र के अंदर 10 एमएलए आते हैं, यानी 100 करोड़ सालाना एमएलए का है और राज्य सरकार का है, और मात्र 5 करोड़ जो है वो सांसद का है। तो 25 करोड़ हमारे को 25 करोड़ तक खर्चा अपने इलाके में करने की हमें सुविधा है एमपी लैड के माध्यम से, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने 32 करोड़ खर्चा है। और वो 32 करोड़ आप पूछेंगे जब एलोकेट 25 होता है तो आपने 32 कहाँ से खर्च दिया, तो वो 32 खर्चा क्योंकि पूर्व सांसद जो कि दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं अजय माकन, उनका 7.66 करोड़ रुपया बचा हुआ था, उसको भी मैंने खर्चा है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और उसके माध्यम से क्षेत्र के जितने काम थे, जो भी हो सकता था वो सब किया, और इस धनराशि के अंदर मैं वो राशि नहीं गिन रही हूँ जो कि रेलवे के माध्यम से मैंने काम कराए, तो वो रेलवे में खर्चा 4-5 करोड़ रुपया मैंने एमपी लैड से दिया होगा, लेकिन बाकी पैसा जो है रेलवे ने अपना खर्चा, जो सुविधाएं आप आज देख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, तो अगर मान लीजिए मैंने बेंच के पैसे दिए लेकिन बाकी सारा पैसा तो रेलवे ने खर्चा, वो सब खर्चा हम लोगों ने करवाया। मैंने अगर एक एलिवेटर के पैसे दे दिए तो बाकी सब चीजें जो है उसके आसपास की वो रेलवे ने की। वहां पर एक जो कुलियों की कुछ प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करवाया। आपको हैरानी होगी कि वहां की जो यूनियन है वो मेरे पास आई, ऑटो यूनियन, टैक्सी यूनियन, उनके पास शौचालय नहीं था। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन और टैक्सी यूनियन और ऑटो यूनियन वालों के जो पार्किंग स्टेट है वहाँ पर कोई ढंग का शौचालय नहीं था, तो उन्होंने आके मुझे ये कंप्लेन किया और ये भी कहा कि जब हम लोग खड़े होते हैं धूप में तो कोई शेड की व्यवस्था नहीं है कि हमें गर्मी में खड़े होना पड़ता है, तो कोई थोड़ी देर के लिए भी हमको छाया मिल जाए, पानी मिल जाए, तो हम लोग अपना गुजर बसर आसानी से कर पाए। आपको आज ये जानकर खुशी होगी कि वो सब काम भी भले ही पैसे मेरे नहीं खर्च हुए लेकिन मैंने वो काम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करवा के दिया, और एक छोटा सा कमरा उनको बनवाया जिसमें कूलर भी लगा हुआ है और गर्मी से बचने की सुविधा है और पानी की भी व्यवस्था है, और एक बहुत टॉप ऑफ द लाइन बहुत अच्छा शौचालय वहाँ पर बनवाया गया है। ऐसे ही 3 कई जगहों पर लोग कट कर मर जाते थे, और उस फुटओवर ब्रिज की जगह आरयू भी पास किया हुआ था जिसका बजट कोई बहुत बड़ा बजट अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय ने बना के रखा हुआ था, ना वो बजट पास हुआ, ना दिल्ली सरकार उसमें साथ दी, ना कुछ हुआ, और कोई काम नहीं हुआ जबकि लगातार वहां पर लोग मरते रहते थे। तो वहां पर भी हमने केवल 10 करोड़ के आसपास का खर्चा
जो है वो कर वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज अप्रूव कराया। 10 करोड़ मैं तो नहीं दे सकती थी क्योंकि एमपी लैंड में तो पैसा ही इतना कम है, पर 2.5 करोड़ हमने अपने 2 करोड़ के आसपास एमपी लैंड से दिया और बाकी जो पैसा है वो अर्बन डेवलपमेंट के फंड से दिलवाकर वो फुट ओवर ब्रिज का निर्माण का काम रेलवे को सौंपा गया है, जहाँ पे 5-6 आदमी तकरीबन कट कर मर जाते थे उस क्रॉसिंग पर। और ये भी बहुत पुरानी समस्या थी। आपको हैरानी होगी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसी जगह और जिस लकीर दिल्ली की हम 2400 घंटा पूरे देश विदेश में बात करते रहते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पाइप वाटर की सप्लाई नहीं है और वो सब लोग ग्राउंड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन एम्स के अंदर ग्राउंड वाटर इस्तेमाल होता था स्टाफ क्वार्टर्स के लिए, वहाँ पर 50 साल के बाद आज पीने का पानी पहुँचाने का काम किया है। ऐसे ही सेक्टर 2 जो है अपना यही गोल मार्केट क्षेत्र में, उसमें भी पीने का पानी नहीं था, वहाँ पे भी CPWD का इस्तेमाल करके वाटर रिजर्वायर बनवा के उनके यहाँ पाइप वाटर सप्लाई कराई है। मैं ये नहीं कहती कि सब काम हो गए, बहुत कुछ बाकी है और जो कुछ बाकी है वो हम सब अच्छे से करेंगे। 10 SCP प्लांट NDMC क्षेत्र में लगाए गए क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत भयंकर समस्या है। एमपी लैंड के माध्यम से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया गया। एमपी लैंड के माध्यम से तकरीबन 400 जिन्स अप्रूव्ड हुए, 325 लग चुके, बाकी जो है कुछ और एजेंसीज ने लगाए, जैसे DDLF कुछ अपना पैसा खर्च के लगाए या वो सब काम हमने करवाए। और इसके अलावा जैसे CSR के माध्यम से भी 52 लाइब्रेरीज अप्रूव्ड है, 38 बन चुकी है, पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, सीनियर सिटीजन लाइब्रेरी वो करवा के दी और 10 कंपोस्टिंग मशीन जो बड़े बड़े मंदिर मेरे क्षेत्र में आते हैं या मेरे क्षेत्र के लोग उन मंदिरों में जाते हैं, जैसे छतरपुर मेरे यहाँ पे नहीं आता लेकिन छतरपुर में भी हमने ये कॉम्पैक्टर लगाया ताकि यमुना की सफाई की बात होती है, लोगों की श्रद्धा की बात होती है तो फूल आदि जो भेंट भगवान को चढ़ाई जाती है वो भेंट कॉम्पैक्टर में जाए ना कि कूड़ेदान में। इसी बिरला मंदिर, हनुमान मंदिर, ऐसी तमाम जगहों पर इस तरीके का प्रयास किया गया कि वहाँ पर सनातन धर्म मंदिर, इस्कॉन गुरुद्वारा लताबगंज में भी कि वो इस तरीके से काम हो कि उस क्षेत्र का जो ग्रीन वेस्ट है वो उसी इलाके में मैनेज हो जाए। ये काम मैंने नहीं किया, एमपी लैंड खर्च पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों को मोटिवेट करके ये काम करवाए हैं। और ये शौचालय तो पता नहीं कितने बने होंगे, मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहती, लेकिन नई दिल्ली जैसा क्षेत्र जो कि सब लोग जानते हैं इसको देश की राजधानी के रूप में, मैं रोज सुबह अपने घर से कभी जाया करती थी, सुबह सुबह फ्लाइट लेनी है, 4:30-5 निकलना है, तो RKpuram क्रॉस करते हुए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ओपन डेफिकेशन थी, सड़क के ऊपर लोग शौच किया करते थे और मुझे बहुत घिन भी आती थी और दुख भी होता था कि ये नई दिल्ली की हालत है। और रेलवे लाइन के आसपास तो आप सबने पूरे देश भर में देखा होगा, वैसे ही सरोजनी नगर, ऐसे ऐसे टारगेटेड जगहों पर ये हमने काम किया, वहाँ पर जखीरा, इस सब जगह पर हमने शौचालय बनवाने का काम किया। ये सब काम किए और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लेकर भी जितना हमारा पे कमीशन है उसको रेगुलराइज करने की बात है, जो हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज है उन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज की कुछ